सरकार मुफ्त शिक्षा और अच्छी शिक्षा के दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर सारे दावे रेंगते ही नजर आते हैं। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्राइवेट स्कूल ही क्यों, सरकारी क्यों नहीं? तो उसके जीते जागते उदाहरण आए दिनों हमें देखने को मिलते हैं। और एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण है राजकीय माध्यमिक पाठशाला कनौड़ी का, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चायल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पिछले 7 सालों से TGT आर्ट्स का पद रिक्त चल रहा है। विभाग को इस बारे में कई बार सूचित किया जाता रहा है, लेकिन विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि उन्हें उन बच्चों की क्या फिक्र जो अपने भविष्य की लड़ाई अध्यापकों के अभाव में लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही कला का एक और पद काफी समय से रिक्त चला है। विभाग से बार बार गुहार लगाई गई है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों में जो नई भर्तियां होती है उसमें विभाग हमारी पाठशाला के लिए अध्यापक का नाम तो लिस्ट में डालते हैं, लेकिन जो भी अध्यापक यहाँ पर आते हैं वह अपना स्टेशन बदल देते हैं और पद फिर से रिक्त हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम बार बार गुहार लगाने शिमला नहीं जा सकते। और साथ ही में उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से जो TGT के पद खाली है उन्हें जल्द से जल्द भरवाया जाए, ताकि बच्चों का जीवन अंधकार में ना डूब जाए। मैं वीरेंद्र वर्मा, SMC प्रधान, राजकीय माध्यमिक पाठशाला कनौड़ी, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चायल के अंतर्गत आती है। अपनी पाठशाला के खाली पदों की स्थिति के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरी पाठशाला में 2 पद, एक TGT आर्ट्स व कला का रिक्त चल रहा है। TGT आर्ट्स का पद पिछले 7 वर्षों से खाली चल रहा है। हमने विभाग को बार बार इससे सूचित किया जा चुका है। हम पिछले 2 साल से लगातार शिमला जाकर विभाग व सरकार से मिलकर इस पद को भरने की गुहार लगवा चुके हैं। हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है कि निदेशक से और सरकार से आश्वासन दिया जाता है कि इस पद को भर दिया जाएगा। पिछले 2 वर्षों से हर बार जो नई भर्तियां विभाग कमीशन से व बैच के द्वारा करता है, उसमें विभाग हमारी पाठशाला के लिए अध्यापक का नाम लिस्ट में नाम डालता है, परंतु जिस व्यक्ति की यहाँ नियुक्ति होती है वह अपना स्टेशन बदल देता है तथा हमारी पाठशाला का पद खाली रह जाता है। हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तथा हम हर बार शिमला विभाग को मिलने भी नहीं जा सकते। मैं आपके माध्यम से विभाग व सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो पद पिछले 7 साल से TGT आर्ट्स का खाली है उसे जल्द से जल्द भर दिया जाए, ताकि हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।